अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? सब ठीक है? आई होप सो कि आप लोग सब ठीक होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह से बिल्कुल ठीक हूँ। तो चलिए आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। आज का जो हमारा लेक्चर है बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चंस है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 2.6 का क्वेश्चन नंबर 7। ठीक है, इसका पार्ट वन हम कल डिस्कस कर चुके हैं। तो अगर आप लोग उससे रिलेटेड कोई भी लेक्चर लेना चाहें तो मैं उसका डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दे दूंगी, आप लोग वहां से जाके उससे रिलेटेड कोई भी लेक्चर ले सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर इसकी मैं क्वेश्चन नंबर 7 की स्टेटमेंट पढ़ रही हूँ। सॉल्व द फॉलोइंग क्वेश्चंस फॉर रियल्स एक्स एंड वाई। ठीक है, तो इसके पास हमारे पास जो क्वेश्चन है वो है 3 - 2 iota एक्स प्लस वाई आयोटा इज इक्वल टू 2x - 2y आयोटा प्लस 2 iota - 1। तो चलिए लेक्चर को स्टार्ट कर लेते हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्वेश्चन को स्टार्ट करने वाले हैं, तो आप लोगों ने इसका एक एक स्टेप को ध्यान से देखना है क्योंकि ये लॉन्ग क्वेश्चन है। तो लॉन्ग क्वेश्चन में अक्सर जो है वो स्टूडेंट मिस्टेक्स करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर देखिए हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड है। तो लेफ्ट हैंड साइड जो है वो हम ले लेते हैं 3 - 2 iota एक्स प्लस वाई आयोटा। तो इनको हम आपस में मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो मल्टीप्लाई करने के लिए इन द प्रीवियस लेक्चर भी मैंने ये बात बताई थी कि फर्स्ट जो डिजिट होता है उसके ऑल वैल्यूज को मल्टीप्लाई कर देते हैं सेकेंड के साथ। इसी तरह सेकेंड डिजिट के ऑल वैल्यूज को मल्टीप्लाई कर देते हैं सेकेंड डिजिट के साथ, जैसे कि 3 - x + y - 2 iota x + y iota। ठीक है, यहाँ तक आप लोगों को समझ आ गई? अब यहाँ पर इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं 3x + 3y iota - 2 iota x। जब ब्रैकेट के बाहर जो है वो नेगेटिव साइन है तो अंदर की ऑल वैल्यूज का साइन चेंज हो जाते हैं। तो यह नेगेटिव साइन है तो अंदर क्या होगा? पॉजिटिव साइन ऑफ चेंज हो जाएगा नेगेटिव में, तो ये हो जाएगा 2y iota का स्क्वायर। यहाँ तक आप लोगों को समझ आ गई? नेक्स्ट स्टेप देखें, ये हमने थोड़ा सा सॉल्व कर लिया। अब थोड़ा सा इसको भी देख लेते हैं। यहाँ पर ये मल्टीप्लाई हो रहा है, इज इक्वल लिखेंगे। ठीक है, 2x - 2 to the 4 यह आ जाएगा 4y। ठीक है, प्लस 2 iota - 1। ठीक है, तो इसको हम यहाँ लिख लेते हैं 2 iota - 1। ठीक है, प्लस बिकॉज मेरा रजिस्टर थोड़ा सा छोटा है तो यहाँ पर लिख लेते हैं इसको 2x - 4y + 2 - 1। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में देखें, यहाँ पर अब हम क्या करने वाले हैं, x वाली जो वैल्यूज उनको एक साइड पे लिखेंगे, जो y आयोटा वाली वैल्यूज उनको एक साइड पे लिखेंगे और जो हमारे पास रिमेनिंग बचेंगे उनको एक साइड पे लिख लेंगे। ठीक है, इससे हमारे पास क्या होगा, जो इतना बड़ा मैस क्रिएट हुआ हुआ है थोड़ा सा ये स्टेबल हो जाएगा। ठीक है, 3x है और इज इक्वल के इस साइड पे है, तो जब हम इसको इक्वल के इस साइड पे लेके आएंगे तो यहाँ पर क्या है, पॉजिटिव साइन है। जब इधर लेके आएंगे तो ये क्या होगा, नेगेटिव साइन में तब्दील हो जाएगा, प्लस 3y। यहाँ देखें नेगेटिव साइन है, जब इसको यहाँ लेके आएंगे तो ये क्या होगा, पॉजिटिव साइन हो जाएगा। ठीक है, -2ix - 2iota का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2 iota - 1। जो हमारे पास 2 iota - 1 है उसको हमने उधर ही रहने दिए क्योंकि उससे रिलेटेड हमारे पास कोई भी यहाँ वैल्यू नहीं है। नेक्स्ट स्टेप में देखें, 3x में से 2x निकाले तो हमारे पास बच गया x। 3y + 4y = 7y iota - 2ix - 2 iota का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2 iota - 1। ठीक है, अब यहाँ पर आयोटा स्क्वायर है, जब से हमने 2 चैप्टर स्टार्ट किया है तब से मैं एक ही बात बार बार बता रही हूँ, आयोटा स्क्वायर इज इक्वल्स टू -1। अब तक तो आप लोगों को भी याद हो जाना चाहिए कि आयोटा स्क्वायर इज इक्वल्स टू -1 होता है, ये हमें हर क्वेश्चन में अप्लाई ही करना है। ठीक है, तो यहाँ पर आयोटा स्क्वायर की वैल्यू को पुट अप कर लेते हैं, 7y - 2iota x - 2y - 1 इज इक्वल्स टू 2 iota - 1। तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। नेक्स्ट स्टेप में देखें, मैंने बताया माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2y = 2 iota - 1। ठीक है, x + y - 2ix यहाँ हो जाएगा प्लस। ठीक है,
अब यहाँ पर देखें हमारे पास, अब यहाँ पर जो वैल्यूज़ है हमारे पास, अब हम क्या करेंगे, रियल नंबर्स को एक साइड पे लिखेंगे और जो इमेजिनरी पार्ट, इमेजिनरी पार्ट कौन सा होता है, जिसमें आयोटा होता है वो इमेजिनरी पार्ट होता है, और रियल नंबर्स वो होते हैं जिसमें एक्स वाई जी एंड सो ऑन जो है ना नंबर्स हो, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए रियल नंबर है ये और ये, तो हम इसको लिख सकते हैं एक्स प्लस टू वाई प्लस सेवन आयोटा माइनस टू आयोटा एक्स इक्वल्स टू टू आई माइनस वन। अब हमने यहाँ पर कंपेयरिंग करना है बाय कंपेयरिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट, ठीक है, इमेजिनरी पार्ट थोड़ा सा टफ है, लेंथी है, बट अगर आप लोग एक एक स्टेप को फॉलो करेंगे तो ये क्वेश्चन आप लोगों को बिल्कुल भी मुश्किल नहीं लगेगा, ठीक है। तो अब इस स्टेप में देखें, इस स्टेप में हमने क्या करना है, कंपेयरिंग कर रहे हैं, साइन में हमने लाइन ड्रॉ करनी है, मार्जिन ड्रॉ कर लेनी है, और यहाँ देखें x प्लस टू वाई, तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग साइड पर जो इक्वल साइड पे है क्या वन, तो ये इक्वेशन बनेगी x प्लस टू वाई इज इक्वल टू माइनस वन, और यहाँ बनेगी सेवन वाई माइनस टू एक्स इज इक्वल टू टू। जस्ट हमने आयोटास नहीं लिखे तो हमने इसको इस तरह लिख दिया, तो ये हमारे पास होगी इक्वेशन वन और ये हमारे पास होगी इक्वेशन टू, ठीक है। अब यहाँ पर हमें जो है ना x और y की वैल्यूज फाइंड आउट करनी है। जब हमने क्वेश्चन की स्टेटमेंट पढ़ी थी, स्टेटमेंट में साथ सॉल्व द फॉलोइंग क्वेश्चंस रियल x एंड y z, मतलब कि x एंड y की हमने वैल्यूज को फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पर हमारे पास अगर इक्वेशन वन है, अगर हम इक्वेशन टू को इसमें से माइनस करते हैं, तो यहाँ पर देखें ना हम x की वैल्यूज को फाइंड आउट कर सकते हैं, ना ही जो है ना y की वैल्यूज को फाइंड आउट, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास देखें y है और यहाँ पर भी y, लेकिन यहाँ पर 2x और यहाँ पर x, अगर हम इन दोनों को करें तो यहाँ पर सिर्फ x बच जाएगा, हमारे पास वैल्यूज फाइंड आउट नहीं हो सके। तो हम क्या करेंगे, इक्वेशन 2 के बराबर की बनाने के लिए इक्वेशन 1 को मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई बाय 2 से करेंगे, ठीक है, ताकि एक वैल्यू कट आउट हो जाए और दूसरी का आंसर निकालना पॉसिबल हो जाए, ओके। तो यहाँ पर देखें मल्टीप्लाई कर लेते हैं, टू एक्स प्लस टू वाई इज इक्वल्स टू माइनस वन मल्टीप्लाई बाय टू, तो यहाँ पर देखें टू एक्स प्लस टू टू द फोर वाई इज इक्वल्स टू माइनस टू, तो ये हमारे पास इक्वेशन क्या होगी, इक्वेशन थ्री। अब हम क्या करेंगे, इक्वेशन टू को ऐड करेंगे इक्वेशन थ्री के अंदर, ठीक है। तो चलिए एडिंग कर लेते हैं, लिखना है एडिंग, क्योंकि सब्ट्रैक्शन करने से ये कट आउट हो जाएंगी, हमारी वैल्यूज फिर से फाइंड आउट नहीं हो सकेंगी। एडिंग बाय इक्वेशन टू एंड थ्री, ठीक है। तो चलिए एडिंग कर लेते हैं, यहाँ पर इक्वेशन टू के अंदर से इक्वेशन थ्री को हमने करना है। इक्वेशन टू है हमारे पास, ये है हमारे पास इक्वेशन थ्री है, ठीक है, इक्वेशन थ्री है, और ये है हमारे पास इक्वेशन टू, सेवन वाई माइनस टू एक्स इज इक्वल्स टू टू है, हमारे पास इक्वेशन क्या है, इक्वेशन टू है, ठीक है। तो यहाँ पर देखें x की वैल्यू कहाँ है, y की वैल्यूज कहाँ है, तो सबसे पहले हम इक्वेशन टू को थोड़ा सा अरेंज कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे माइनस टू एक्स, यहाँ पर इसके साथ कोई साइन नहीं है, तो यहाँ क्या आएगा, पॉजिटिव साइन, सेवन वाई इज इक्वल टू टू। इसको हमने क्या किया है, सिर्फ अरेंज किया है, किसी के साथ भी मल्टीप्लिकेशन या एडिशन कुछ भी नहीं किया है, जस्ट अरेंज किया है इसके जैसा इसको बनाने के लिए। अब अरेंज करने के बाद इनकी हम करेंगे एडिशन, ठीक है। यहाँ देखें प्लस माइनस माइनस एक्स वाली वैल्यूज कट गई हैं, प्लस 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 ये हो जाएगा इलेवन वाई, प्लस माइनस माइनस तो ये हो जाएगा ज़ीरो। तो यहाँ पर देखें वाई इज इक्वल्स टू ज़ीरो ओवर इलेवन, तो वाई हमारे पास क्या आ गया है, ज़ीरो। अब हमने बता दिया है कि वाई इज इक्वल्स टू ज़ीरो है। अब हमने क्या फाइंड आउट करना है, हमने फाइंड आउट करना है एक्स की वैल्यू, तो एक्स की वैल्यू हम पुटअप करेंगे इक्वेशन नंबर टू के अंदर, ठीक। इक्वेशन नंबर टू के अंदर हम y की वैल्यू को पुटअप करेंगे और x की वैल्यू को निकाल लेंगे। तो इक्वेशन नंबर टू है हमारे पास माइनस टू एक्स जो है वो हमारे पास ज़ीरो है, प्लस सेवन, और y क्या है हमारे पास, y कुछ भी नहीं है, सॉरी y इज इक्वल टू ज़ीरो है, और यहाँ पर x ही रहना चाहिए था, इज इक्वल टू, तो यहाँ पर आ जाएगा माइनस टू एक्स प्लस
y ज़ीरो दस ज़ीरो, टू आ गया हमारे पास, तो यहाँ पर देखें माइनस टू एक्स इज इक्वल टू टू, तो एक्स इज इक्वल टू ये आ गया हमारे पास माइनस टू ओवर माइनस टू आ गया हमारे पास, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास ये आपस में कट गए दोनों, तो यहाँ पर आ जाएगा माइनस।